जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम सब लूप के और भी एग्जांपल करवाने वाले हैं आगे वीडियोस में, तो आज की वीडियो में हम और एग्जांपल समझेंगे सब लूप के। हम किस किस प्रकार यूज़ कर सकते हैं लूप को, कैसे चला सकते हैं, और यदि आपने सब लूप नहीं सीखा है तो आप हमारा वो वीडियो ज़रूर देखें, ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ सीख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। लूप के अंदर हमने आपको बताया था कि हम कोई भी संख्या, कोई टेक्स्ट, कोई नंबर अगर हम फिल करते हैं तो हमारे नंबर टेक्स्ट हम इस तरह से फिल कर रहे थे, डाउन में इस तरह से फिल हो रहे थे। और हमको चाहिए कि हमारे नंबर अब कॉलम में जाएं, हमारे नंबर इस तरह फिल हों, इस प्रकार से ये एक पैटर्न बने, इस तरह से पैटर्न तैयार हो, या फिर इस तरह से ना पैटर्न बन के कि हम चाहें कि सेकेंड रो के अंदर कुछ कम स्टार आए, थर्ड रो के अंदर और कुछ कम स्टार आए, इस प्रकार का पैटर्न करना है। कितने कितने कॉलम ब्रेक करने हैं, सिंगल कॉलम ब्रेक करने हैं या फिर डबल डबल कॉलम हमने ड्रॉप करने हैं, तो ये पैटर्न हम एक सब लूप के जरिए किस प्रकार क्रिएट करेंगे ये सीखेंगे। सबसे पहले मैं इनको क्लियर कर लेता हूँ। मैंने VBA की विंडो ओपन कर ली है और एक मॉड्यूल ले लिया है, नया मॉड्यूल नंबर 6। ठीक है, यहाँ पे हम कोड लिखेंगे। मैं सबसे पहले बना लेता हूँ सब, मैं आपको सब लूप के लिए बता रहा हूँ, तो यहाँ पे कर देता हूँ सब लूप या फिर सब पैटर्न कर रहे हैं तो सब पैटर्न के नाम से मैं ये VBA का नाम डाल देता हूँ। सबसे पहले तो हमको एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे, तो हम कर लेते हैं कि हम कॉलम्स में काम करना चाहते हैं तो उसका नाम डिफाइन कर देता हूँ मैं कॉल एज लो। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे फॉर कॉल इक्वल टू 1 to, कितने कॉलम तक हम लेना चाहते हैं। हम एग्जांपल मैं कम ही ले लेता हूँ, यहाँ से मैं लगभग 5 कॉलम तक ले लेता हूँ। ठीक है, 1 to 5 कॉलम तक हमने यहाँ पे पैटर्न बनाना है। और हम कर देंगे नेक्स्ट को क्लोज, नेक्स्ट कॉल। अब उसमें हमने सेल में क्या डालना है, देखिए सेल सबसे पहले तो हमने रो भी चेंज करनी है और कॉलम भी चेंज करना है, दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। तो उसके लिए हम कर लेंगे रो के लिए आर यहाँ पे डिफाइन कर लें, या फिर कर लेता हूँ रो और कॉल। आपने इसी तरह से पढ़ा था, हमने जो वेरिएबल लिया था पहले यहाँ पे लिया था और कॉलम एक ही रखा था, तो कॉलम सिंगल रह गया था, हमारी रो चेंज हो रही थी। इस बार हमारी रो भी चेंज होंगी और कॉलम भी चेंज होंगे, तो मैंने रो और कॉलम दोनों यहाँ पे ले लिए, तो रो को भी डिफाइन करना पड़ेगा ना। हम करते हैं यहाँ पे पहले डॉट वैल्यू इक्वल टू, पैटर्न में क्या फिल करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ हम स्टार फिल करना चाहते हैं। ठीक है, अब रो, आप रो और कॉलम से कंफ्यूज ना हो, ये मैंने वेरिएबल के नाम लिए यहाँ पे, जैसे कॉलम मैंने कॉल वेरिएबल ले लिया, इसी प्रकार एक वेरिएबल और डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे हम करेंगे डिम रो एज लॉन्ग, दो वेरिएबल हो गए हमारे पास, और रो एक के बाद एक डाउन आएगी, तो हमने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे करेंगे हम रो इक्वल टू 1, रो को एक मान लेते हैं, है ना। और अब इसको एक बार प्ले करके देखें, हम रन करके देखते हैं, हम करेंगे F8। तो देखिए मैंने एक बार में रन कर दिया, मैं इसको फिर से क्लियर करता हूँ और एक एक स्टेप हम रन करेंगे। यहाँ पे करूँगा मैं F8, सबसे पहले हमारा कोड रन होगा, उसके बाद रो 1 में हम जाएंगे, फिर कॉलम 8 to 5, 1 to 5 यहाँ पे हमने फिल करना है पैटर्न। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इधर यहाँ पे आपको रीड दिखा रहा है, रो 1 रीड कर रहा है यहाँ पे और कॉलम भी 1 रीड कर रहा है। आप चाहें तो लोकल विंडो भी ओपन करके देख सकते हैं। फिर से मैं करूँगा F8, यहाँ पे क्या किया इसने, अब एक कॉलम में एक रो में एक पैटर्न हमारा फिल हो गया। अब यहाँ से वापस जाएगा, ये कॉलम 1 चेंज होगा अब कॉलम 2 के अंदर। फिर से हम करेंगे F8, तो अब यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है, ये कॉलम 2 चेंज हो गया ना, तो दूसरे कॉलम के अंदर फिर से एक स्टार फिर से फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे दो नंबर कॉलम है, F8 करेंगे तो ये क्या हो गया, कॉलम नंबर 3, यहाँ पे देख रहे हो ना, कॉलम नंबर 3 को रीड करेगा। इस प्रकार से हम F8 F8 करते जाएंगे, तो हमने जहाँ 5 तक डाला है 5 कॉलम तक फिल करेगा, उसके बाद एंड प्रोग्राम। अब हमको चाहिए ये नीचे तक फिल करने हैं, रो भी हमारी चेंज हो आगे आगे, तो कितनी रो तक चेंज हो उसके लिए हम इधर लिखेंगे आके कितनी रो तक चेंज हो, तो हम करेंगे फोर रो इक्वल टू 1 to
तीन तक ले लेते हैं, ठीक है ना, तीन रो तक फिल हो। तो अब हमको यहाँ पे रो को भी कर लेते बने ना, नेक्स्ट रो। एक बार इसको मैं स्टॉप कर लेता हूँ। अब फिर से इसको क्लियर करने के बाद हम फिर से चला के देखेंगे अपने कोड को। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार चेंज होता है। फिर से मैंने F8 किया, तो अब ये लूप सब लूप कैसे कहलाएगा? तो ये जो 1 2 3 है, ये तो हो गया हमारा मेन लूप, और इसके बाद जो 1 2 5 है, ये हो गया सब लूप। तो पहले मेन लूप के अंदर है, तो एक नंबर रो में काम करेगा सब लूप, पहले ये क्लियर होगा, फिर ये वापस जाएगा दूसरी रो के अंदर, है ना। तो पहले तो मैंने क्या समझाया था लास्ट वीडियो में, सब लूप जो होता है अंदर का लूप, छोटा लूप, सबसे पहले वो रन करता है, फिर उससे बाहर वाला रन करेगा। फिर से हम करेंगे F8, F8। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, A1 के अंदर एक स्टार फिल हो जाना चाहिए। यहाँ पे कॉलम नंबर एक है, फिर से कॉलम नंबर चेंज होगा, सेम टू सेम चलेगा। ये हमारे 5 स्टार यहाँ पे फिल होंगे, 4 5। अब ये क्या करेगा, जैसे ही हम F8 करेंगे तो यहाँ पे नंबर 6 आ जाएगा, आ गया ना। और ये कहाँ पहुँच गया, अब नेक्स्ट रो पे, रो नंबर 1 है। जैसे हम F8 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, रो नंबर 2। फिर से इस लूप को 2 नंबर रो में रन करेगा, करेंगे F8, F8। देखिए 2 नंबर रो में रन हो रहा है, और ये भी कितना रन करेगा, 5 कॉलम तक, क्योंकि हमने यहाँ पे 5 कॉलम दे रखे हैं। फिर नेक्स्ट रो पे जाएगा, अब रो नंबर 3 पे फिर से इसी लूप को रन करेगा, यानी कि पहले सब लूप रन होता है, उसके बाद बड़ा वाला लूप रन होगा, और एंड सब। अब हमको ये पैटर्न इस प्रकार से नहीं चाहिए, मैं इसको स्टॉप कर लेता हूँ। हमको ये पैटर्न कुछ इस प्रकार चाहिए कि पहले तो ये रन हो, मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ बॉर्डर से, उसके बाद ये रन हो, उसके बाद यहाँ पे ये वाले रन हो, या फिर इसको भी हटा देते हैं हम, यानी कि जो बॉर्डर मैंने बनाया है इसमें इसी हिसाब से रन हो कि पहली रो के अंदर तो 5 कॉलम फिल हो, फिर 3 कॉलम, और फिर एक कॉलम सिंगल कॉलम, ये वाले हमारे फिल ना हो। उस स्थिति में हम किस प्रकार लिखेंगे इस कोड को, तो ये सारे मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार। तो इन्हीं के अंदर हमने फिल करना है, वापस हम VBA विंडो के ऊपर आएंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 कॉलम तक लिखा है, तो 5 कॉलम फिल करेगा, लेकिन हमने क्या करना है, सिर्फ एक ही रो में 5 कॉलम फिल करने हैं, सेकंड रो के अंदर 3 कॉलम फिल करने हैं। तो हम यहाँ पे यूज़ कर देते हैं कि मैक्सिमम, हमने काउंटिंग नहीं देनी, 1 2 5 नहीं, 1 2 मैक्सिमम। मैक्सिमम के लिए मैंने M टाइप कर लिया, और M जब हमने यहाँ पे किया तो M को भी हमको डिफाइन करना पड़ेगा। हम करेंगे डिम एम एज लॉन्ग, क्लियर। और एम की वैल्यू हम डाल देते हैं एम इक्वल टू 5 टाइम, ठीक है, 5 टाइम रन होगा एम। लेकिन अब क्या होगा, 5 टाइम यहाँ पे हमने मैक्सिमम तो डाल दिया, लेकिन मैक्सिमम 5 टाइम जाएगा तो हर जगह जाएगा। फिर हम क्या करें, तो जैसे ही कॉलम क्लियर हो, ये हमारा जैसे ही एक कॉलम क्लियर हो गया, तो उसके बाद ये m बराबर हो जाए m माइनस, कितना माइनस कर दें, हमको 2 कॉलम कम करना है यहाँ पे, तो -2, क्लियर। अब रन करके देखते हैं, हम करेंगे F8, 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 F8। सबसे पहले पहला वाला F8 पहुँच गया एक नंबर के अंदर, F8 मैक्सिमम ले लिया, और अब यहाँ पे एक स्टार फिल हो गया, ठीक है, एक कॉलम आ गया। F8 करेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे कॉलम नंबर 2 में चला गया, तो ये हमारा सेम काम करेगा, पहले वाला कहाँ तक जाएगा, 5 कॉलम तक जाएगा, पहुँच गया। यहाँ पे फिर से अगर हम F8 करते हैं तो यहाँ पे हो गया 6 नंबर, और पहुँच गया M इक्वल टू M माइनस 2, यानी कि अब क्या होगा, जो मैक्सिमम वैल्यू हमने दी है 5, इसमें से 2 माइनस हो जाएंगे नेक्स्ट रो के लिए। F8 करेंगे तो नेक्स्ट रो पे जाएगा, नेक्स्ट रो के लिए रीड करेंगे, देखो 2 नंबर रो पे पहुंच गया, तो ये -2 करके रीड करेगा उसको, ना कि 5 बार। हम करते हैं F8, F8 1 2 3, और F8 फिर से यहाँ पे आ गया, आगे नहीं गया ना। अब क्या करेगा, फिर से 2 माइनस कर देगा, किस में से, जो ये नेक्स्ट चला है,
जो तीन बार चला है इसमें से फिर से दो माइनस होंगे तो क्या फील होगा, एक फील हो जाएगा। तो हम करेंगे F8 और F8 और अब एंड, फिर से F8 करेंगे एंड सब और स्टॉप। इसी प्रकार आप इस वीडियो को पॉज करके इस तरह बनाइए कि अब हमारे स्टार एक एक सेल यानी कि एक एक डाउन हो, इसमें स्टार आए और इसमें स्टार आए और इसमें स्टार आए। तो आप ये वाला कोड वीडियो को यहीं पे रोक के तैयार कीजिए और फिर मैच कीजिए जो मैं आगे बताने वाला हूँ कि इस तरह का हम कोड किस प्रकार लिखेंगे। तो इनको मैं क्लियर करता हूँ, वापस जाएंगे VBA के अंदर और अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि अब हमारे पास कॉलम तो पाँच ही रहेंगे ये वाले तो, लेकिन जो हमने ये रो ली है तीन, इनको बढ़ाना पड़ेगा हमको चार नंबर तक। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ 4 टाइम, एक चेंजमेंट हो गया। दूसरा, जहाँ हमने m को -2 किया है इसको हम करेंगे -1 और अब एक ही बार में इसको रन करते हैं। मैं यहाँ पे करूँगा F5, देखिए यहाँ पे गलती आ गई ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने एक और भी लेना है, ये भी बनाना है, तो ये भी बनाते हैं हम। और यहाँ पे जो हमने रो की करी थी ये चार, इसको करेंगे वापस 5 ताकि ये एक स्टार और नीचे आ जाए और ये वाले सेल ये भी हमारे फिल हो जाएं इस तरीके से। ठीक है, सारे में क्लियर करता हूँ यहाँ पे और फिर से इस कोड को एक्चुअल एक बार में हम रन करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे स्टार फिल हो गए। तो लूप तो हमने सीख लिया, हमने फॉर नेक्स्ट लूप सीखा है, फॉर ईच लूप सीखा है, हमने अनटिल लूप सीखा है, डू व्हाइल लूप सीखा है। अब इनको हम एक एक करके बेटर से बेटर एग्जाम्पल यहाँ पे सीखेंगे कि हम लूप से कितना काम कर सकते हैं, किस किस तरह लूप को यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है साथियों वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियोज़ को हम दोस्तों में शेयर कर दीजिए, हमें लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। फिर से मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।